नमस्कार मुदीप्ति आपको स्वागत करुच्चे माय यूट्यूब चैनल आशा करुच्चे समस्ते बहुत भल आज मुझे गोटे भिड आनी जहाँकि आज गोटे मछर गोटे रेसीपी करी मो भिड में के मछर रेसीपी मैंने देनी आज मुझे गोटे मछर गोटे रेसीपी जो तेतुली दि मछ मसला आज मुझे बनईबी आखिर केमती कौन बनाऊँ आज ब्लॉग को आप थे वेलकम करुच्ची भिडियोटी को जमा भी स्किप करूँ फास्ट टू लास्ट जाए देखु प्लीज मो भिड को लाइक कर दिंतु सेयर कर दिंतु और सब्सक्राइब कर दिंतु आज आम घर पूरा मूरा हो चूना मैं आम गाँव पोखरी आज धरा होता गाँव पोखरी से चूना मछ बड़ मछ पड़े से चूना मछर हम आसत मो बड़ गोटे रेसीपी हम भाविल गोटे भिड करदे आलतु देखा चूना मछ भजा चलती फास्ट खिया हम पखाड़ हम मछ मसला तेतुली दिए मछ मसला ये चूना मछ देखते पूरा नई मैंने सरी पोखरी फिश देख आईटा देखु भजा है रही आई मछटा पूरा देखिए मानने देहपाई बहुत बढ़िया आज जार आखिर प्रोब्लेम थी मछ खाइले भल फुलफुटी मछ पूरा आपको पखाड़ भात सहित खाई मछ भजा आपटे खे सा कमेंट करेंगे मछ भजा क्या भल लगे ये हूँ करांडी ना कि मछटा ये हूँ फुलफुटी मछ पोखरी फुलफुटी आपको खाइले आखिर प्रोब्लेम भल हम पावर बढ़ाए बहुत प्रॉब्लम पूरा टेस्ट लगुच पखाड़ा तो सहित कंचा लंका गोटे दड़ी खाए हतर बढ़िया लगे मैं देखते पिज आ कंचा लंका दे भजा हो पखाड़ा खायापर ई मसला दे रही हम ये देख पारे मो बापा आस नहीं कि आम गाँ पोखर धरा ही जेहेतु आखिर आसीगला म ये देखु मछ मान गाँ पोखर धरा जी भाग पड़े फास्ट चूना मछ पड़ी तापर एवं सब आई जहाँ भी सब पड़ी आला गोटिके मछ गोटे अच्छी छोट छोट देशी मछ पूरा सब पंक लगे लो पोखरी पक जगह गोटे धोद माछ माछ जो मैंने आसीरा भल भाव पूरा क्लीन करी धोईदेली धोक जी माछ दरकार गाँ माछ जेहेतु धरा ही आतीक भी मैंने से सैज मैंने एक प्रकार आसीनी मैं छोट बड़ एम आईर हम जी भी दरकार मैगली पकेबा हलदी गुंड लंका गुंड मसला पाई नहीं जाइए मसला पाई मोटी नहीं जाइए प्याज प्याज पकईदे रसुण तपरा को पेस्ट कर दबा
ଗରମ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଜୋର, ମାଛ ସେପଟରେ ବସିଛି ଆଉ ଏପଟରେ ମୁଁ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳକୁ। ଚାଲିଛି ମାଛ ଭଜା, ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ରହିଗଲା, ଆଉ ଏପଟରେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ମାନେ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଲି ଦିଏ ମାଛ ମସଲା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ସତରେ ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଇବେ, ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ ବା ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ, ଆଉ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ। କରିଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା, ଆଉ ମାଛ ତେନ୍ତୁଲି ଦିଆ ମାଛ ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଯିଏ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଚୁନା ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ ମାଛ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଆକୁ ବନେଇକି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ରେସିପି କରିଦେବା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କଲି, ଆଉ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ।